हे गाइस, कैसे हो आप लोग। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करने से पहले ये दो बातें याद रखना। ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को बीच में छोड़ के न जाना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है पीरियड डेट। सेक्स करने से पहले आपको अपनी गर्लफ्रेंड का पीरियड डेट पता होना बहुत ही बेहद जरूरी है, जो कि आप याद नहीं रखते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड का हर मंथ किस डेट पे पीरियड आता है और कितने दिनों तक रहता है, ठीक है। ये चीजें मालूम होनी आपको क्यों जरूरी है, जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को फिजिकल होने के लिए, मिलने के लिए बुलाते हो, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो बता देती हैं और बहुत सी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो नहीं बताती हैं, ठीक है। तो आपकी गर्लफ्रेंड आपको बताई है या नहीं, ठीक है, वो तो मुझे नहीं पता, बट नहीं बताई है कि उसका पीरियड डेट टाइम क्या है और कितने दिनों तक रहता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बताती है तो वो मिलने आती है, अगर लड़के उसके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, आप उसके साथ फिजिकल होना चाहते हो, ठीक है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते हो, तो वो तैयार नहीं होती है, मानती नहीं है, आपको रोकती है एंड बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, वो चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीजें पता होना बहुत ही जरूरी है कि आपकी गर्लफ्रेंड का पीरियड डेट टाइम क्या है, ठीक है, ताकि आपकी गर्लफ्रेंड पीरियड डेट में, पीरियड टाइम में ना रहे जिस टाइम पे आपसे मिलने आती है। उसे तो ये पता होता है कि बस नॉर्मली मिलना है और चले आना है, ठीक है। अगर आप उसके साथ फिजिकल होना चाहते हो, ठीक है, तो वो आपको रोकने लगती है, मना करने लगती है, आप पे बहुत ज्यादा नाराज होने लगती है, ठीक है। तो ये चीजें आप जब भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाओ, ठीक है, तो ये चीज जरूर आप पूछ के जाओ कि आपका पीरियड टाइम तो नहीं आ रहा है, पीरियड डेट तो नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीजें बहुत ही बेहद जरूरी है, जो कि आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने बताया कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड का पीरियड डेट याद रखना है, ठीक है। एंड एक बात और याद रखना, गर्लफ्रेंड के पीरियड से 4 दिन पहले एंड गर्लफ्रेंड के पीरियड खत्म होने के 10 दिन बाद तक आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना है, गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स नहीं करना है। इन दिनों के बीच अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाते हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करते हो, तो आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो जाएगी पीरियड खत्म होने के 10 दिन पहले या पीरियड आने के 4 दिन पहले। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हो तो आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखना, गर्लफ्रेंड के पीरियड खत्म होने के 10 दिन बाद ही आपको फिजिकल रिलेशन बनाना है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है। एंड गाइस, सेकंड पॉइंट है कॉन्डोम। अगर आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हो तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एनी टाइम कभी भी सेक्स कर सकते हो, आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट नहीं होगी। अगर आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हो तो आपको कई सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। पहला यही हो जाता है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है प्रेग्नेंट नहीं होगी, एंड दूसरा ये हो जाता है कि कई सारे संक्रमण रोगों से आप बच सकते हो, एंड आपकी गर्लफ्रेंड को भी टेंशन नहीं रहता है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, ठीक है। अगर आप विदाउट कॉन्डोम सेक्स करते हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो आपकी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, टेंशन बन जाता है, जब तक कि उसका पीरियड डेट, पीरियड टाइम नहीं आता है, तब तक वो ये सोचती रहती है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, ठीक है। तो ये फायदा होता है अगर आप कंडोम का इस्तेमाल करते हो तो आपकी गर्लफ्रेंड को भी कोई टेंशन नहीं रहती है, एंड आपको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, आप दोनों सेफ रहते हो, आप एंड आपका पार्टनर, ठीक है। तो गाइस, मेरा मानना तो यही रहेगा कि आप जब भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशन बनाएं तो आप कंडोम का इस्तेमाल जरूर करें। तो गाइस, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस, मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।